Hello friends, welcome to Gates Measures. The topic is segmentation. Now what is the segmentation? Segmentation is a method in which a process will be divided into the parts and then we put them into the main memory. मतलब हम एक process को segments में parts में divide करते हैं और फिर हम उसको main memory में रख देते हैं. The same concept we use in the paging. पेजिंग में भी हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करके मेन मेमोरी में डाल देते हैं. तो फिर डिफरेंस क्या है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. इन द पेजिंग व्हाटएवर प्रोग्राम वी हैव रिटन, व्हाटएवर प्रोसेस वी हैव रिटन, लेट्स से देयर इज अ प्रोग्राम इन सी, मैंने उस प्रोग्राम को सेव कर दिया. अब पेजिंग क्या करेगी, उस प्रोग्राम को विदाउट नोइंग कि व्हाटएवर रिटन इन दिस, इट विल सिंपली डिवाइड दैट प्रोसेस एंड देन इट पुट इनटू द मेन मेमोरी. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि लेट्स से मेरे फंक्शन में, मेरे उसमें प्रोग्राम में एक मॉड्यूल है या फंक्शन है एडिशन का एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दैट फंक्शन, मीन्स उसका जो एडिशन का मॉड्यूल है उसकी लेंथ इतनी है. अब अगर पेजिंग यहां पे यूज कर रहे हैं तो पेजिंग विल सिंपली डिवाइड दैट मॉड्यूल और सिंपली डिवाइड दैट फंक्शन इनटू टू और फर्दर पीसेस एंड देन वी पुट देम इनटू द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस. लेट्स से ये किसी फ्रेम F3 में डाल दिया, ये किसी फर्दर फ्रेम F4 में डाल दिया. अब होगा क्या, जब CPU एग्जीक्यूट करेगा तो उसने सबसे पहले F3 को, लेट्स से F3 को जो F3 में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन क्या F3 में पूरा एडिशन का मॉड्यूल है? नहीं, पूरे एडिशन का मॉड्यूल तो F3 और F4 दोनों में कंबाइंड है. तो होगा क्या, जब वो F3 को, जब एडिशन को वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसको F3 में पार्शियली कोड मिलेगा, फुल कोड नहीं मिलेगा. तो यानी मैं जब F3 को एग्जीक्यूट करूंगा उसके तुरंत बाद जब लास्ट इंस्ट्रक्शन इसकी एग्जीक्यूट होगी मुझे फटाफट F4 को CPU को चलाना पड़ेगा. मतलब F4 में जो लिखा हुआ है, फ्रेम 4 में जो लिखा हुआ है वो पेज मुझे फटाफट CPU को देना पड़ेगा, अदरवाइज एडिशन यहां पे एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा. तो यानी मेरा यहां पे बताने का कॉन्सेप्ट, मतलब बताने का मतलब क्या है कि हम पेजिंग में विदाउट नोइंग द कि क्या उसमें कोड है, क्या उसमें प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, हम सिंपली उसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर पेजेस में. लेकिन सेगमेंटेशन वर्क्स ऑन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पता है कि वहां पे एक मेन प्रोग्राम है, एक एडिशन का प्रोग्राम है, या एडिशन का फंक्शन है, या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, सम अदर फंक्शंस आर देयर. तो व्हाट वी थिंक कि वो सारे फंक्शंस अलग अलग पेजेस में जाके सेव हुए होंगे, बट पेजिंग ऐसा कुछ नहीं करती. पेजिंग तो सिंपली डिवाइड कर देती है एक प्रोसेस को, एक प्रोग्राम को फिक्स साइज पेजेस में. तो प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है. तो हो सकता है कि F3 फ्रेम को तो एग्जीक्यूट कर दिया CPU ने, लेकिन उसको F4 फ्रेम मिला ही नहीं. तो यानी यहां पे पेज फॉल्ट का भी प्रॉब्लम आकर हो सकता है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन एक्चुअल में क्या करता है, वो पूरे प्रोसेस को या पूरे प्रोग्राम को डायरेक्टली डिवाइड नहीं करता, पूरे प्रोग्राम को या पूरे प्रोसेसेस को पेजिंग की तरह डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता. वो क्या करेगा, जो अलग अलग सेगमेंट्स बनाएगा, लेट्स से आपका जो प्रोग्राम है उसमें एक फंक्शन है लेट्स से मेन का, तो उसने एक सेगमेंट बना दिया मेन का. देयर कैन बी वन मोर सेगमेंट ऑफ लेट्स से एडिशन, एक और सेगमेंट बना दिया, लेट्स से वन मोर सेगमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन S2, स्टैक S3, वन मोर लाइक स्क्वायर रूट इज देयर, square root is there. So it will create the segments according to the code, means according to the user point of view. जो यूजर सोचता है कि हाँ मेन में जितनी भी लाइंस हैं या एडिशन मॉड्यूल में जितनी भी लाइंस हैं उसको फर्दर उसी एक सेगमेंट में वो कन्वर्ट करेगा. तो यानी यहां पे एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि पेजिंग में हरेक पेज का साइज वहां पे बराबर होता है, लेकिन क्या यहां पे हरेक सेगमेंट का साइज भी बराबर होगा? नहीं. हो सकता है एडिशन मॉड्यूल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम हो, तो हो सकता है इस सेगमेंट का साइज छोटा है.
इसमें हो सकता है लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो, तो यहाँ पे हो सकता है इस सेगमेंट का साइज बढ़े। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग लेट से यहाँ पे मैं 5 या 6 टोटल 6 हम यहाँ पे ले लेते हैं, दीज आर वॉट दी सेगमेंट्स। अब इन सेगमेंट्स को हम जनरली कहाँ पे सेव करते हैं, इन सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में सेव करवाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर इन सेगमेंट्स को रखेंगे। वहां पे हम क्या करते थे, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करके पेजेस को हम मेन मेमोरी में डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड नहीं कर रहे, सेगमेंट कैन बी ऑफ वेरियस साइज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन पेजेस आर ऑलवेज ऑफ सेम साइज, बट सेगमेंटेशन इज ऑलवेज डन इन अ वेरियस साइजेस। किसी सेगमेंट का साइज बड़ा, किसी सेगमेंट का साइज हो सकता है छोटा। तो इन सेगमेंट्स को हमने मेन मेमोरी के अंदर लेट्स सपोज डाल दिया। अब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगेन जैसे पेजिंग का सीपीयू को नहीं पता, ऐसे ही सेगमेंटेशन का भी सीपीयू को आइडिया नहीं है। सीपीयू तो एक क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, उस लॉजिकल एड्रेस से मुझे असेस करना पड़ेगा कि सीपीयू को कौन सा सेगमेंट चाहिए और कहां तक चाहिए। तो उस चीज के थ्रू हम फिर पता करवाएंगे कि एक्चुअल में वो सेगमेंट फिजिकल मेमोरी में मेन मेमोरी में कहां पे पड़ा हुआ है। तो यहां पे हम दो चीजें यूज करते हैं, जब भी हम लेट्स से जस्ट फोकस S5, देयर इज अ सेगमेंट S5 को मैंने यहां पे रखा, तो ये 1500 यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस। बेस मींस कहां से वो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। एंड उसके बाद हम यहां पे एक दूसरा पॉइंट जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं यहां पे साइज, मतलब बेस एड्रेस साइज। तो बेस एड्रेस और साइज क्या मतलब शो कर रहा है कि वो सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, मतलब वो कहां तक जा रहा है। आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। सो यहां पे हम पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीपीयू जब एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, हमें उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे उस सेगमेंट का लोकेशन मिलेगी और उस सेगमेंट को फिर मैं फेच करके सीपीयू को दूंगा। तो फिर वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम पेजिंग में यूज करते थे कि यहां पे भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हेल्प करेगा लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने में। लॉजिकल एड्रेस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिजिकल एड्रेस में। तो कौन हेल्प करेगा, अगेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सेगमेंट टेबल। मींस यहां पे हम सेगमेंट टेबल यूज करेंगे और वो सेगमेंट टेबल एक्चुअल में बताएगा कि हमें जो भी सेगमेंट चाहिए हम कैसे मेन मेमोरी से उसको फेच करेंगे, दिस इज द पॉइंट। तो ये सेगमेंट टेबल पहले समझ लेते हैं। सेगमेंट टेबल में यहां पे दो चीजें हैं, बेस एड्रेस एंड साइज, मतलब मेरा बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पे सेगमेंट नंबर, सेगमेंट्स के नंबर, ये मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर। ये बेस एड्रेस इज रिप्रेजेंटिंग कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई भी सेगमेंट, जैसे सेगमेंट नंबर 0 3300 से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से ये देखो सेगमेंट नंबर 0 3300 से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी लिमिट या उसका साइज, साइज मतलब क्या है, 200 बाइट, वी कैन से 200 बाइट, तो यानी 3300 प्लस 200 3500। तो मींस ये 200 अगर इसमें ऐड करें तो यानी इसकी जो लेंथ है वो 200 तक है, और उसकी कहां तक लिमिट है, 3500 तक उसकी लिमिट है। तो यानी ये सेगमेंट टेबल हमें हेल्प करवाएगा कि हमें कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको यूज करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास जब सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, वो लॉजिकल एड्रेस यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन इज अ सेगमेंट नंबर एंड अदर इज सेगमेंट साइज या ऑफसेट, ऑफसेट भी बोलते हैं इसको। तो यानी यहां पे जो MSV बिट्स हैं वो सेगमेंट नंबर, LSV बिट सेगमेंट का साइज शो करेंगे। तो यहां पे अगर मेरे पास लॉजिकल एड्रेस
जितनी भी बिट का आ रहा है लॉजिकल एड्रेस उसमें से कुछ बिट मेरी सेगमेंट नंबर और बाकी की बची हुई बिट मेरी सेगमेंट का साइज। तो अगर मेरे पास एस नंबर ऑफ बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेगमेंट नंबर एंड डी बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेगमेंट साइज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, लेट्स से एक लॉजिकल एड्रेस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, लेट्स से लॉजिकल एड्रेस इज 000100, whatever. So now, whatever this logical address, first of all, I have to tell, I have to guess ki how many bits are representing the segment number and how many bits are representing the segment size. तो जैसे ही मैंने पता लगा लिया कि इतनी bits मेरी segment number है, तो let's say कि यहाँ पे मुझे segment one को access करना है, तो segment one मेरा कहाँ पड़ा है main memory में, मुझे नहीं पता, बिकॉज ये तो नॉन कॉन्टिग्यूस है, सेगमेंट तो कहीं भी हो सकते हैं रैंडमली, तो यानी पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा, अच्छा सेगमेंट वन पे जाना है, तो मैं यहां सेगमेंट वन पे गया, सेगमेंट वन का बेस एड्रेस है 1800, तो यानी मेरे को यहां पे क्या पता लग गया कि 1800 एड्रेस पे जाके आपको सेगमेंट वन मिल जाएगा। लेकिन हमें दूसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना है, दैट इज द डी वैल्यू। डी वैल्यू यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 1800 पे तो आप चले गए, लेकिन उसके बाद आपको कहां तक आपको उस डेटा को रीड करना है, वो आपका लेंथ, वो आपका साइज जो है वो डी बिट्स बताएंगी। मतलब यहां पे जितनी बिट्स डी है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको बेस एड्रेस तो पता लग गया 1800, लेकिन S1 1800 से लेके 2200 तक सेव है, तो आपको पूरा S1 चाहिए या पार्शली, मतलब उसमें से कुछ पोर्शन ही आपको एक्सेस करना है, तो दैट इज द पॉइंट कि जो यहां पे एस और डी यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डी को यहां पे उठाऊंगा और डी की वैल्यू क्या है यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू S1, दैट इज 400। तो यहां पे एक पॉइंट क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर डी वैल्यू यहां से मेरे पास डी वैल्यू आ रही है, डी वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन साइज, डी वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन साइज, दिस इज वट वी आर चेकिंग। डी वैल्यू मीन्स सीपीयू कितना एक्सेस करना चाहता है, कहां तक एक्सेस करना चाहता है, और अगर सीपीयू ने यहां पर डी की वैल्यू दे दी, लेट से 500, सीपीयू 500 बाइट्स रीड करना चाहता है, लेकिन जब मैं S1 पे गया, S1 1800 से लेके और वहां पे उसका साइज कितना 400, मींस S1 तो 400 बाइट का है और CPU रीड करना चाह रहा है 500 बाइट, हाउ इट इज पॉसिबल, जब S1 सेगमेंट का साइज ही 400 बाइट का है तो CPU 500 बाइट, मतलब 400 बाइट तो रीड कर लेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 बाइट एक्स्ट्रा कहां से रीड करेंगे, और ऑब्वियसली हम किसी और सेगमेंट का डेटा यहां पे रैंडमली यहां पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि जो डी वैल्यू यहां पे आ रही है वो डी वैल्यू हमेशा साइज, जो यहां पे साइज है उनसे क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। हाँ, अगर डी वैल्यू मेरे पास 400 है देन इट इज फाइन, मींस आप पूरे के पूरे सेगमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो तो दैट इज नो प्रॉब्लम। तो यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं, डी वैल्यू शुड लेस देन इक्वल टू साइज, इफ इट इज ट्रू देन वी विल एड दैट वैल्यू, मतलब मेरे पास बेस एड्रेस पता लग गया 1800 है, साइज यहां पे डी की वैल्यू लेट्स से 400 है, तो मैं 400 ऐड कर दूंगा 1800 में, तो मेरे पास क्या आया 2200, यानी मुझे 1800 से लेके 2200 तक पूरे का पूरा डेटा रीड करना, पूरे का पूरा सेगमेंट रीड करना, तो यस दिस इज व्हाट वी वांट। तो यानी मैंने पूरा का पूरा सेगमेंट यहां पे एक्सेप्ट या एक्सेस कर लिया। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर होती तो यहां पे हम ट्रैप क्रिएट कर देते, मतलब जो सीपीयू साइज, जितने साइज की सीपीयू डिमांड कर रहा है वो साइज ही नहीं है, उतने साइज का तो सेगमेंट ही नहीं है, तो फिर उस केस में तो हमें यहां पे इंटरप्ट या वी कैन से ट्रैप जनरेट करना पड़ेगा, दैट इज अ काइंड ऑफ एरर। तो इस केस में मेरा यहां पे एरर क्रिएट होगा, अदरवाइज नॉर्मली लेट्स से कि सीपीयू वांट टू रीड सेगमेंट थ्री, तो यहां पे मेरी जो पहली वाली बिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, 3 वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, इट इज नॉट द एज इट इज वैल्यू, तो S3 पे मैं गया, पहले सेगमेंट 3 पे,
सेगमेंट थ्री मेरे को पता लग गया 2300 पे है, तो 2300 पे गया, वहां पे मुझे पता लग गया एस थ्री। लेकिन अब मेरे को दूसरी वैल्यूज डी, डी की वैल्यू अगर लेट से यहां पे डी की वैल्यू मेरे पास है 200, डी की वैल्यू क्या है 200, और यहां पे मेरे पास एस थ्री की कॉरेस्पॉन्डिंग साइज कितना है 400, यानी मेरे को 400 का पूरा 400 रीड नहीं करना, उसमें से मुझे कुछ डेटा रीड करना है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, 2300 इज द बेस वैल्यू, उसमें ऐड क्या किया मैंने, जो साइज जहां तक मुझे रीड करना है, टोटल क्या आया 2500। तो लेट से 2300 से स्टार्ट किया और 2500 तक मैंने डेटा को रीड करके सीपीयू को दे दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी आर यूजिंग द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का एडवांटेज जो है वो पेजिंग से क्या एडवांटेज है, द पॉइंट इज कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक प्रोसेस को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहे विदाउट लुकिंग इन टू द प्रोसेस, विदाउट लुकिंग इन टू द प्रोग्राम, हम सिंपली डिवाइड करके और उसको डाल रहे, नहीं, सेगमेंट में हम उसको रिलेटेड डेटा को एक सेगमेंट में रखेंगे, रिलेटेड डेटा को प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो यानी यहां पे एक दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो सेगमेंट्स के साइज है वो अलग अलग हो सकते हैं, हर एक सेगमेंट का साइज अलग हो सकता है, लेकिन पेजिंग में हर एक पेज का साइज बराबर होता है। सो दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। थैंक यू।